हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। आई नो कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस आ रही है, बट कुछ सरकमटांसेस ऐसे हो गए थे, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था और भी कई सारे सरकमटांसेस ऐसे हो गए थे जिस वजह से काफ़ी लेट वीडियो आ रहा है। बट आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने फेस किया अभी कुछ दिनों में। सेम उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत कई सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है कि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो आज यही टॉपिक है कि अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर आप कहीं गिरा देते हैं इस कंडीशन में, तो आप अपने फ़ोन को कैसे ढूंढ सकते हैं और आपको अपने फ़ोन को सेफ़ रखने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपका सिम कार्ड, आपका फ़ोन, ऐसी कुछ भी चीज़ें चोरी हो जाती हैं तो आपको फुल डिटेल्ड वीडियो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बेशक थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा। और इस वीडियो को यार ज़रूर से लाइक करिएगा ताकि बिल्कुल मैं डिटेल्ड वीडियो देने वाला हूँ यूट्यूब पर। सभी वीडियोज़ में से आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियो अगर आपको ये लगेगा तो यार इस बात को लाइक करना। आप सारी वीडियो देख लो जो कि बताते हैं कि कैसे लोकेशन ट्रेस कर लो, अगर आपका फ़ोन खो गया तो ये कर लो वो कर लो। लिटरली बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप लोकेशन को ट्रेस कर पाओगे। आपकी करेंट लोकेशन कोई भी नहीं बता सकता डायरेक्टली, या जो ऐप से, किसी आप वेबसाइट से, किसी सॉफ्टवेयर से। अगर आप चाहते हो कि यार मैं IMEI नंबर डाल लूँ, अपने फ़ोन का ईमेल आईडी डाल लूँ, कहीं से भी आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन चेक कर सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आप तो नहीं कर पाओगे लेकिन मैं प्रोसेस बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल व्यू बताऊंगा, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन में जितने भी सिम कार्ड हैं, ज़्यादातर वन या सिम वन या सिम टू, हम लोग ज़्यादातर टू सिम फ़ोन यूज़ करते हैं, डुअल सिम यूज़ करते हैं, तो आपके फ़ोन में या तो वन सिम होगा या फिर डुअल सिम, तो आप अपने ऑपरेटर से कॉल करके अपने सिम कार्ड को बंद करवा दीजिए। पहला स्टेप आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, अपने कस्टमर केयर को कॉल करना है। अगर आप एयरटेल का फ़ोन यूज़ करते हो, वोडाफोन का यूज़ करते हो, आइडिया, जियो, एक्सेट्रा, आप कुछ भी यूज़ करते हो, आपको क्या करना है, किसी अल्टरनेट नंबर से जो कि सेम नंबर का हो, सेम कस्टमर का हो, मतलब कि सेम सर्विस प्रोवाइडर का। अगर आपके पास एयरटेल का नंबर उस फ़ोन में पड़ा था जो फ़ोन गुम हो जाता है, तो आपको किसी दूसरे एयरटेल के नंबर से कॉल करना है उनके कस्टमर केयर को और अपने उस फ़ोन के बारे में बताना है और आपने अपने उस सिम को ब्लॉक करवा देना है ताकि आपके फ़ोन का सिम कार्ड का कोई भी मिसयूज़ ना कर पाए। ये आपको कैसे करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उनके कस्टमर केयर पर कॉल करना है 121198, ज़्यादातर सभी का यही नंबर होता है, आपको उन पर कॉल करके अपने सिम कार्ड को ब्लॉक करवा देना है। ये पहला स्टेप है, आपको अपने सिम कार्ड को ब्लॉक करना होगा, बेसिकली ये सबको ही करता है। और एक चीज़ आपको और करना है, वो क्या करना है, आपको ऑनलाइन FIR करना है। जी हाँ, आपको अगर आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने आर्टिकल में पूरा बताया हुआ है कि आप कैसे ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, तो आप उसको डिटेल व्यू में पूरा देख सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी चीज़ खो जाती है, वो आप ज़रूरी नहीं कि आपका मोबाइल फ़ोन खोया है तभी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी बाइक, कार, एक्सेट्रा कुछ भी आपके फ़ोन चोरी हो जाता है, मोटरसाइकिल, बाइक खो जाती है, गुम हो जाती है, तो ऐसे में आप लॉस्ट आर्टिकल के लिए ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जा सकता, आपको सिंपल सा अकाउंट बनाना होता है और आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी एक रिपोर्ट की, वो आपको चाहिए होगा ताकि आप जब न्यू सिम निकलवाएं तो आपको वो देना पड़ेगा वहाँ पर। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने सिम कार्ड को ब्लॉक करवा देना है अपने कस्टमर केयर को कॉल करके, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन FIR करना है। अगर आपको ऑनलाइन FIR करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको आर्टिकल को पढ़िए और जैसे जैसे प्रोसेस बाई प्रोसेस बताया गया है सेम टू सेम प्रोसेस करके आप ऑनलाइन FIR कर दीजिए। ओके, ये दो स्टेप आपको सबसे पहले करना है। ऐसा करने से आपका सिम कार्ड जो ब्लॉक हुआ है वो ब्लॉक हो जाएगा सिम कार्ड, और उसी नंबर से अगर आप सिम कार्ड लेना चाहते हैं दोबारा से तो आपको उस नंबर से सिम कार्ड भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक बेनिफिट की बात कर देता हूँ आपको बताने के लिए कि जैसे मेरा फ़ोन खो गया था, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो मेरे फ़ोन में जियो का सिम कार्ड पड़ा था। तो बहुत अच्छी बात है ये जियो की कि जियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है अगर आपका सिम वगैरह खो जाता है, टूट जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपने पता ही होगा कि जियो का सिम कार्ड फ्री होता है, तो जियो की तरफ से आपको सिम कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बस आपको अपना ऑनलाइन FIR वहाँ पर और आपको एक एप्लीकेशन और लिखना होता है कि आपका फ़ोन खो गया है और सिम को बंद कर दीजिए इस तरह से सेवा में वगैरह, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं चाहो तो, वरना ऑनलाइन FIR काफ़ी है।
और आपका थंब वगैरह लगेगा, आधार कार्ड से EKYC होगा और आपको एक न्यू सिम कार्ड मिल जाएगा सेम टू सेम नंबर से। और ये प्रोसेस आपको बहुत जल्द करना है, कोशिश करिए कि उस दिन हो जाए, अगर उस दिन नहीं हो जाए तो उसके जस्ट अगले या एक दो दिन में, क्योंकि क्या भरोसा कि किस पर्सन के हाथ में वो फ़ोन गया है और वो पर्सन आपके सिम कार्ड का किस तरह से यूज़ करेगा। तो आपको यहाँ पर एक बहुत चीज़ नोटिस करने वाली यही है कि आपको यही ये ज़रूर करना है कि अपने सिम कार्ड को ब्लॉक कर देना है और एक ऑनलाइन FIR करना है। अगर आप ऑनलाइन FIR नहीं करना चाहते तो जैसे कि मैंने बोला कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, उस आर्टिकल को पढ़िए और आप ऑनलाइन FIR करना सीख जाएंगे, उसमें बाई प्रोसेस बताया गया है। तो दो स्टेप हम लोग कर चुके हैं, हमने अपने सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया है, हमने अपने फ़ोन की एक ऑनलाइन FIR रिपोर्ट कर दी है। दो चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं, अब आगे क्या। मैं तो आपको ये बताने वाला था कि आपका फ़ोन खो जाए तो आप कैसे ट्रेस करें, ना कि आप ये जानने आए थे कि सिम को बंद करना एटसेट्रा। रुकिए, तो यहाँ पर मैं कुछ, जैसे कि मैंने बोला कि इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ, तो सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप चलिएगा, तो सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप होंगी, तो आपको पूरा वीडियो कम्प्लीट देखना है तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो दो काम हम लोग कर चुके हैं, अब आपको तीसरा काम क्या करना है, आपको google.com पर जाना है। आप चाहें तो बेशक यहाँ पर PC का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर होगा, फ़ोन से उतना अच्छे से नहीं कर सकते, तो आपको PC पर जाना होगा और आपको सर्च करना होगा फाइंड माई डिवाइस। ओके, और यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस पर जाकर यहाँ पर आपको अपनी उसी Gmail ID से लॉगिन करना होगा जो Gmail ID आपके फ़ोन में लॉगिन थी। ध्यान रखिएगा, आपको सेम उसी Email ID से लॉगिन करना है, आपके गूगल प्ले स्टोर में, Gmail में जो Email ID आपके फ़ोन में लॉगिन है वही Email ID आपको अपने किसी PC में जाके, जब आपको फ़ोन सर्च करने के लिए जाते हैं तो आपको फाइंड वाई डिवाइस करना होगा google.com पर, PC पर जाके कहीं पर, और फाइंड वाई डिवाइस पर जाके आपको उसी ईमेल से लॉगिन करना होगा। यहाँ पर अगर आप फाइंड करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब यहाँ पर लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बताता है, वो तो केवल आपको लगभग में बता देगा कि इस एरिए के आसपास है, या ये बता देगा कि लास्ट टाइम आपका फ़ोन कहाँ पर था, तो ये बता देता है। तो यहाँ पर मैं आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको अपने फ़ोन को लॉक करना है और आपको अपने फ़ोन का सभी डेटा है उसे इरेज करना है। ये बहुत ही सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आप पर्सन आपके फ़ोन का डेटा यूज़ कर सकता है, पता नहीं आपका कितना इंपॉर्टेंट, कितना सेंशियल डेटा हो जो वो पर्सन यूज़ कर सकता है। आपको फाइंड माई डिवाइस पर जाना है और वहाँ पर जाकर उस Gmail ID से लॉगिन करके आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को बीप करा के एक बार दे सकते हैं, उसमें आपका फ़ोन रिंग करेगा। अगर आप रिंग पर टैप करेंगे तो रिंग करने से क्या होगा, अगर आपके फ़ोन आसपास कहीं होगा उस एट द टाइम आप चेक करेंगे तो फ़ोन बजने लगेगा जहाँ पर भी होगा, जैसे ही फ़ोन ऑन होगा, अगर ऑफ होगा तो नहीं बजेगा, जैसे ही वो पर्सन कोई फ़ोन ऑन करेगा वैसे ही वो अपने आप बजने लगेगा। तो अगर आसपास कहीं किसी ने चुराया होगा तो पता चल सकता है तुरंत। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दो काम जरूर से करने हैं, अपने फ़ोन को लॉक करना है और अपने फ़ोन का सारा डेटा इरेज कर देना है। ये दो चीज़ें आप जरूर कर दें, ऐसा करने से आपके फ़ोन का कोई भी सेंशियल डेटा वो पर्सन यूज़ नहीं कर पाएगा जो पर्सन ने आपका फ़ोन को चोरी किया है, थेफ्ट किया है, या फिर आपका फ़ोन गलती से गिर गया है, एक्सेट्रा, जो भी कुछ हुआ हो जिस पर्सन को मिला हो। तो इस तरीके से आप वहाँ पर अपने फ़ोन को डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। एक चीज़ आपको और वहाँ पर फाइंड माई डिवाइस में करने को मिलती है कि आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं वहाँ पर, जब कोई पर्सन फ़ोन ओपन करेगा तो उसके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लीज़ रिकवर माई फ़ोन, कॉल ऑन दिस नंबर। अगर वो पर्सन दयालु हुआ, काइंड हुआ, अगर वो चाहता है कि आपका फ़ोन उसे किसी ऐसे पर्सन को मिला जो कि भला इंसान है, अगर आपका फ़ोन वो वापस करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि आप फाइंड माई डिवाइस की हेल्प से वहाँ पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि अगर ये फ़ोन किसी को मिलता है तो आप इस नंबर पर प्लीज़ कॉल कर लीजिए, बदले में आप उसे रिवार्ड देंगे, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं कि अगर वो पर्सन एक काइंड पर्सन हुआ तो हो सकता है कि आपका फ़ोन वापस कर दें। तो आप ये सारी चीज़ें जरूर कर लें जैसे ही आपका फ़ोन खो जाता है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो फाइनली अब हम तीन चीज़ें कर चुके हैं, हमने अपने फ़ोन का सिम कार्ड ब्लॉक करवा दिए, हमने अपने फ़ोन का ऑनलाइन FIR कर दिया, और हमने अपने फ़ोन की फाइंड माई डिवाइस से सारा डेटा इरेज कर दिया और अपने फ़ोन को लॉक कर दिया। ये तीन चीज़ें करने के बाद अब चौथा स्टेप क्या रह जाता है, चौथा स्टेप रहता है कि ट्रेस करने का, आपको अपने फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस करना है। वो आप नहीं कर पाएंगे, ये सर्विस केवल और केवल आपके जो आसपास के जो कॉप्स रहते हैं यानी कि जो पुलिस सर्विस रहती है उन्हीं के पास ये सर्विस रहती है। तो आपको मैं जैसे कि मैं बता दूं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे YouTube पर या कहीं पर भी देखे हों कि आप ऐसे 2 मिनट में आसानी से लोकेशन ट्रेस कर दें, फ़ोन खो जाए तो ऐसे मिलेगा। कोई भी वीडियो इस तरह की काम नहीं करेगी, बिल्कुल एक्यूरेट और जेन्यून तरीका बता रहा हूँ जो कि मैंने फेस किया, मेरे फ़ोन के साथ हुआ। तो कैसे मैं अपने फ़ोन को वापस ला सकता हूँ, फिलहाल अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से आप अपने फ़ोन को
कुछ चांसेस रहते हैं कि अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आपका चांस रहता है कि आपका फ़ोन वापस आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है पुलिस अधीक्षक के नाम। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि SP के नाम से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपको उस एप्लीकेशन में लिखना है कि आपको अपने फ़ोन को सर्विलांस पर डालना है। जी हाँ, आपको अपने फ़ोन को सर्विलांस सेल से कॉन्टैक्ट करना होता है जब भी आपका फ़ोन खो जाता है। आपको अपने फ़ोन को सर्विलांस पर डालना होता है, और सर्विलांस पर डालने से आपके फ़ोन के IMEI नंबर से फ़ोन को ट्रेस किया जाता है, और अगर वो फ़ोन कभी भी कोई पर्सन ऑन करता है तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और उससे वो फ़ोन वाला पकड़ा जाएगा। इसलिए आपको SP के पास ऑफिशियली SP के पास जाके पेश होना पड़ता है। वहाँ पर आपको अपने फ़ोन का जो बॉक्स रहता है, आपको बिल और ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं, प्रूफ देना पड़ता है कि भाई ये मेरा फ़ोन है और ये मेरा फ़ोन चोरी हुआ है या गुम हुआ है। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन में कहीं भी चोरी वर्ड लिख दिया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चोरी के नाम से वो बोलते हैं कि मुकदमा लिखना है, तो यहाँ पर आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि आपको हर जगह यही लिखना है कि मेरा फ़ोन जो है वो सिर्फ खोया है और कहीं गिर गया है। सिर्फ ऐसे वर्ड का यूज़ करना है, आपको कहीं भी चोरी वर्ड नहीं लिखना है, वरना वो लोग कहेंगे कि आपको मुकदमा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको यही बोलना है कि हर जगह मेरा फ़ोन सिर्फ खोया हुआ है, और आपको बाकायदा SP के सामने पेश होना पड़ेगा। वहाँ पर आपको उनसे उनके लिए भी एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि मुझे अपने मोबाइल नंबर को, अपने इस फ़ोन को, जो भी आपका फ़ोन हो, मॉडल विद IMEI नंबर, उसका मॉडल नंबर, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखने होंगे और बताना होगा कि मुझे अपने फ़ोन को सर्विलांस पर लगवाना है। अगर और ये एप्लीकेशन जाकर SP के सामने आपको देना होगा, और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं आपके मॉडल फ़ोन के बारे में, प्रूफ के लिए आपसे बिल वगैरह, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे लेके जानी है, अपने फ़ोन का बॉक्स कवर बिल वगैरह जो भी आपके पास इस समय मौजूद हो, फ़ोन तो आपका चला ही गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाके उनके सामने पेश होना पड़ता है, और वो अगर चाहें तो फ़ोन को सर्विलांस पर डलवा के आपका फ़ोन आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपकी उनके साथ जान पहचाने बहुत अच्छी खासे एक्टिव हैं अगर वो और पुलिस वाले, तो ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ोन बहुत आसानी से मिल जाए। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जेन्युइन वे जिससे आप अपने चाहें कि आप अपने फ़ोन नंबर को ट्रेस कर लें, फ़ोन को वापस रिकवर कर पाएँ। ये बिल्कुल एक्यूरेट और जेन्युइन वे है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर वो फ़ोन आपका खो जाता है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है आपका, ऐसा चोरी हो जाता है, खो जाता है, तो इस तरीके से आपका फ़ोन जो है वापस मिलने के कुछ चांसेस रहते हैं। यही एक बेस्ट वे है, यही एक जेन्युइन वे है, और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वे है कि सर्विलांस सेल से कॉन्टैक्ट करके ही आप अपने फ़ोन को वापस ला सकते हैं। और कोई भी दूसरा तीसरा तरीका नहीं है। जो भी आपको YouTube पर वीडियोस मिलते हैं, सारे के सारे वीडियोस फेक हैं। अगर वो कहते हैं कि आप ऐसे कर लो, इस वेबसाइट पे जाके ट्रेस लोकेशन कर लो, करना है सर्विलांस सेल से कॉन्टैक्ट करके ही अपने फ़ोन को ट्रेस करवाना है, और यही एक वेस्ट वे है, यही एक तरीका है जिसके तरीके से आप अपने फ़ोन को वापस ला। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने फ़ोन को कैसे ट्रेस करना है, अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, और किस तरह से आप अपने फ़ोन को वापस ला सकते हैं। तो यही कुछ यार 3-4 स्टेप हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना। बहुत दिनों के बाद वीडियोज़ आ रही है, करीब 10-15 दिन हो गए यार, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे टिप्स ट्रिक्स और भी खतरनाक टाइप के वीडियो चाहिए टिप्स ट्रिक्स से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप यार इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और यार मुझे नीचे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यार मैंने न्यू Redmi 6A बाई कर लिया है, 4A पहले मेरे पास था, Redmi का 4A जो कि खो चुका है इस समय, मेरे पास नहीं है। Redmi 6A मैंने बाई किया है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या मैं वीडियो में उसका एक वीडियो बनाऊँ, अगर आप लोग कमेंट करो। MIUI 10 इसमें मुझे मिला है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आने चाहिए, अगर आप कमेंट करके बताओ तो उसका वीडियोस भी लाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, तब सबको हेल्प मिल पाए कि अगर आपका फ़ोन खो जाए तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, फ़ोन खो जाने पर क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएं कि अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को यार शेयर करो सबके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।